हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल डेफ रिक्रूटमेंट ऑफ SC ST OBC WSPD कैंडिडेट टू फैकल्टी पोजिशंस। तो वीडियो स्टार्टिंग से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप जो है इस टाइप की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल यूट्यूब पर मेरे चैनल देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब्स रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उनके वीडियोस और जाते ही जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके भी वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके वीडियोज रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आया ये IIT रुड़की की तरफ से आया है और यहाँ पे देखिए IIT रुड़की इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम SC ST OBC EWS PD कैंडिडेट विद एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड फॉर पोजिशन एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो मल्टीपल जो स्कूल्स डिपार्टमेंट सेंटर वो सारे मेंशन कर रखे हैं। तो आप जिस आपके पास PhD डिग्री जिस भी मल्टी डिसिप्लिन में है तो आप उसके थ्रू जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट 27 जो है मल्टीपल 27 डिसिप्लिन इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो आपकी डिग्री जो है जिस आपका PhD डिग्री जिस भी डिसिप्लिन में हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो लास्ट डेट आएगी वो 30 नवंबर 2021 रहेगी। डिजिग्नेशन है, पे स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोफेसर के लिए आपको अकेडमी लेवल 14A का पे ग्रेड दिया जाएगा। वही एसोसिएट के लिए आपको 13A2, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए अकेडमिक पे लेवल 12, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अकेडमिक पे लेवल 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर का PhD होनी चाहिए विद मिनिमम 6 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आपका PhD विद फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट एज अ प्रोसीडिंग डिग्री और आपका मिनिमम 3 ईयर्स का इंडस्ट्रियल रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपने अपने PhD किया है, PhD के बाद 3 ईयर्स आपने टीचिंग किया है या रिसर्च किया है किसी इंडस्ट्री में वर्क किया तब आपको यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आपका PhD होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास और आपका यहाँ पे जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रॉड रिसर्च एरिया जिसमें क्वालिफिकेशन एंड डिटेल फॉर सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग। यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन दे रखा है इन पर्टिकुलर सब डिसिप्लिन के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। जनरल नोट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये SC ST OBC EWS या PD कैटेगरी के लिए ही है। तो यहाँ पे जनरल वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भी कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मैसेज कर रखा टू अप्लाई प्लीज क्लिक द लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं faculty recruitment@iitr.ac.in पर। तो यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा आपका IIT रुड़की का एप्लीकेशन पोर्टल। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो SC ST OBC या EWS या PD कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो है ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ जो ये जो सारी पोस्टें आपको यहाँ पे दे रखी हैं ये सारी परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, तो स्पेशल डाइव जो चल रहा है वो मेनली जो भी IITs हैं या ISERS या आई थिंक मे बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जो है स्पेशल डाइव चल रहा है, लेकिन अभी तक तो IITs एंड ISERS में जो है स्पेशल डाइव वो देखने को मिल रहा है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।